शिवराज की अध्यक्षता में कैबिनेट में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र ने जानकारी देते हुए बताया, प्रदेश में विकसित किए जाने वाले 5 नए औद्योगिक क्षेत्रों के लिए वित्तीय व्यवस्था का कैबिनेट में अनुमोदन किया गया। इन क्षेत्रों के विकास से प्रदेश में 32,000 करोड़ से अधिक का निवेश आने व 38,450 प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होने का अनुमान है। मध्य प्रदेश के 5 नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना का आज प्रशासकीय अनुमोदन कैबिनेट के द्वारा किया गया है। ये क्षेत्र है बैरसिया भोपाल में, आष्टा सीहोर में, आष्टा झलेला, धार तिलगारा धार में, मेगा औद्योगिक पार्क रतलाम फेस वन रतलाम में और नरसिंहपुर में। ये 5 जो क्षेत्र हैं इसमें 32,000 करोड़ से अधिक का निवेश होने की संभावना है और 38,450 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष इसमें रोजगार मिलेगा।